मैं काशी की जनता को एवं काशी में आने वाले विभिन्न श्रद्धालुओं को ये हार्दिक अपील करूंगा कि वर्तमान कोविड 19 के सेकंड सर्ज को देखते हुए बहुत जरूरी ना हो तो काशी में अपने घरों से ना निकले और काशी में विभिन्न प्रदेशों से एवं उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से आने वाले लोगों से भी आग्रह करूंगा कि अगर बहुत आवश्यक ना हो तो अभी वर्तमान में काशी आगमन का अपना विचार थोड़ा सा स्थगित रख ले। इसीलिए हम लोग ने ये काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर आदि में हम लोग ने RT-PCR का नेगेटिव टेस्ट जो 3 दिन से पुरानी ना हो उसको आवश्यक कर दिया है। सरकार ने भी आगामी त्यौहार के सीजन को देखते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए शासनादेश जारी किया है। कल माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस दृष्टिगत एक विस्तृत आदेश पारित किया है और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम लोग सब लोग इस बात से अवगत हैं कि वर्तमान में एक ये हमारे सामने एक नई चुनौती आई है और उस चुनौती को केवल बचाव के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। तो काशी में मैं लोगों से अपील करूंगा कि बिना काम के लोग अपने घर से ना निकले, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि संक्रमण का जो ये दर है, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उसके घर के ऑलमोस्ट सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो अपने को घर में जाके अपने बच्चों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, अपने वृद्ध माता पिता या दादा दादी को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। आप खुद भी इन्फेक्ट हो रहे हैं और अपने जो लोग जिनके सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनको भी इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ से बचें। नंबर 2, अगर आवश्यक है तो निकल रहे हैं तो कम से कम मास्क जरूर पहने। हर थोड़े थोड़े अल्प समय में वो लोग अपना हाथ को सैनिटाइज करें प्रॉपरली, घर वापस जाने के बाद यथासंभव नहाएं या नहीं तो कम से कम अपना पूरा हाथ सैनिटाइज करने के उपरांत ही कोई अन्य कार्य करें। इसके साथ साथ जो घरेलू उपचार हैं, स्टीम लेना, गर्म पानी पीना, इससे कोई नुकसान नहीं है, उनका हम लोग लगातार उसका पालन करें। पैनिक ना करें लेकिन कॉशन अवश्य रखें। इसी तरह दुकानदार भाइयों से भी अपील है कि दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को अगर सारे लोग सभी व्यापारी तय करेंगे तो आराम से हो जाएगा। कोई भी बिना मास्क के ग्राहक आता तो उसको सामान ना दें, मास्क पहनने पर इंसिस्ट करें, हाथ उनका सैनिटाइज करें, अपने स्टाफों को भी सैनिटाइज रखें, अपने भी सैनिटाइज रहें। उसी तरह अन्य जो ऐसे हमारे स्थान हैं उसको भी हम लोग ने ये एडवाइजरी जारी की है कि वो लोग यथासंभव अपने यहाँ भीड़ भाड़ किसी भी हालत में ना होने दें। इसके पश्चात हम लोग ने उपचार के लिए अपने L3 और L2 के बेड हम लोगों ने बढ़ाने के लगातार प्रयास किए हैं और जो भी उसके लिए आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे हाई फ्लो नेजल कैनुला या मेडिसिन जिसकी में रेमडेसिविर की बार बार बात आती है, उसका भी ऑर्डर प्लेस कर दिए गए। अभी वर्तमान में भी अभी वाराणसी में रेमडेसिविर उपलब्ध है, इसलिए कोई पैनिक ना करें। जो लोग होम आइसोलेशन में ट्रीट हो सकते हैं दवाइयों के माध्यम से, उनसे आग्रह है कि वो लोग अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन पे दबाव ना डालें, आराम से वो घर पे अपने उपचार करते हुए और दवाइयां लेते हुए वो ठीक हो सकते हैं। जहां पर भी उनका अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो तत्काल हमारे जो कंट्रोल रूम के नंबर हैं 1077 एवं अन्य जो नंबर आप लोग को आज विज्ञप्ति के माध्यम से दिए जा रहे हैं उसकी वाइड पब्लिसिटी कराइए, वहाँ पर फ़ोन करके बोलिए। हम लोग करीब करीब यहाँ पर 30 एम्बुलेंस इसी पर्पज़ से लगा रखे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि अल्प समय में आपके घर पर पहुँच कर आपको यथा आवश्यक कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और आपका उपचार कराया जाएगा। हम लोग आज एक निर्णय लिया है, 2-3 निर्णय लिए हैं कि हमारे आयुर्वेदिक जो कॉलेज है उसमें करीब करीब 100 बेड का हम लोग परसों से L2 की फैसिलिटी हम लोग चालू कर देंगे। साथ साथ हम लोग BHU में फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए उनसे समन्वय स्थापित कर रखे हैं। हेरिटेज मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी सीटों की संख्या, बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। वहाँ पर MCH जो बिंग जो नया बना है, जो अभी ऑपरेशनल नहीं है BHU में, उसको आज हम लोग शाम को उसका दौरा कर रहे हैं और उसमें जो भी आवश्यक लॉजिस्टिक्स है उसको पूरा करा के उसको भी यूज़ करने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ जिला चिकित्सालय में जो 50 बेडेड एक हम लोग का विंग बन, उसको होल्डिंग एरिया बनाने के लिए हम लोग आज वहाँ भी दौरा करेंगे, उसको भी हम लोग होल्डिंग एरिया बनाने के लिए उसका पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ऑक्सीजन की वर्तमान में कोई कमी नहीं है, एडिशनल 600 सिलेंडर्स के ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं, रेमडेसिविर के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं। इसके अलावा हम लोग ने जो हाई फ्लो नेजल कैनुला है उसके लिए भी ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं,
वो चूंकि सभी जगह से विभिन्न प्रदेशों से इसकी डिमांड है, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर तो है, लेकिन हम लोगों ने जितनी अपने को आवश्यकता थी, जितने मिल सकते थे, उसको हम लोग ने इकट्ठा करने के लिए सारे पूरा जोर लगा दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग करीब करीब 5 से 6 दिन के अंदर ये जितने भी लॉजिस्टिक्स, अभी भी वर्तमान में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन आने वाले अगर केसेस बढ़ते हैं तो उसके लिए हम लोग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो मैं आप लोग के माध्यम से केवल यह अपील करना चाहूँगा लोगों से कि वो लोग यथासंभव अपने घरों पर रहें, अपने परिवारों को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, अपने माता पिता को सुरक्षित रखें, दादा दादी नाना नानी को सुरक्षित रखें, एवं जो काशी आने वाले लोग हैं उनसे मैं फिर हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि काशी में आपका आगमन प्रतीक्षित होता है और आप सभी लोग बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में शायद ये बाबा का ही निर्देश है कि हम लोग अभी इसको कुछ दिन उनके हम लोग साक्षात दर्शन ना करके हम लोग वर्चुअल ऑनलाइन के माध्यम से दर्शन करें, और जब स्थितियाँ थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी तो उसके में आपका काशी में आगमन हम लोग उनका लोकाभिनंदन करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में बहुत आवश्यक ना हो तो काशी में अभी अपना यात्रा है उसको थोड़ा सा स्थगित रखें।